हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ओनली दे ऊपर। सो आज अपन चेक करन जा रहे हैं जी तुहाडी ऑफिशियल आंसर की जिहड़ी आ चुकी है। सो मेरे कोल 11वीं क्लास दा जिहड़ा हैगा सेट बी है। सो आजो नाल-नाल मैच करदे हां तुहाडे जिहड़े काफी सारे क्वेश्चन दे नंबर ने इधर-उधर हो जाणगे, कईआं दे 4-5 नंबर उपर जाणगे, कईआं दे 4-5 नंबर थल्ले आणगे, वो मैं तुहानूं पहले ही दस दिंदी हां। सो राजे इहदे जिहड़े पहले दो सवाल ने मेरे मुताबिक तां इहदे च ऑब्जेक्शन बनदी है क्योंकि अंग्रेजी मीडियम दे विच इहनां ने वाटर इमेज दित्ता होया है और बेटा इन्होंने पंजाबी दे विच जिहड़ा हैगा शीशा चित्र यानी कि मिरर इमेज दिता होया है और ऑफिशियल आंसर की दे विच जिहड़े इन्होंने आंसर लाए ने बेटा वह मिरर इमेज के हिसाब नाल लाए ने क्योंकि पहले का जिहड़ा राइट आंसर है वह इन्होंने ऑप्शन ए लाया है और ऑप्शन ए अपना मिरर इमेज के अकॉर्डिंग सही बन रहा है। और उस तो बाद जिहड़ा सैकेंड आपां देखिया सी, सैकेंड का राइट आंसर डी है और जिहड़ा डी आंसर बन रहा राजे वह भी जिहड़ा हैगा साडे कोले मिरर इमेज के हिसाब नाल बन रहा है। सो सैकेंड का जो ऑफिशियल आंसर की दे अकॉर्डिंग आंसर है वह हैगा जी ऑप्शन नंबर डी। थर्ड का जो राइट आंसर है बेटा वह हैगा ऑप्शन नंबर ए अपना जिहड़ा हैगा गलत हो गया जिहड़ी आपां ने आंसर की लगाई सी। सो इहदे लिए आई एम सो सॉरी, मैं स्टार्टिंग च सॉरी कह दिंदी हां जिहड़े गलत सीगे, बट उहदे विच साडा भी कोई वो नहीं है ना, जो मैनूं लॉजिक लगे आपां उह लगा के देखिया, बट इहदा जो राइट आंसर है बेटा वह ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, उस तो बाद मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी और फिफ्थ का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ वाले तो इन्होंने की लॉजिक लगाया है वह मैंने नहीं पता लग्या बिकॉज इहदे अकॉर्डिंग तो देखो इहदे च एक बॉक्स है, दो बॉक्स, तीन, तो इतने चार बॉक्स बनते सी, बट इन्होंने किहड़े लॉजिक नाल सिक्स लगाया है वह नहीं पता बिकॉज आंसर की हमेशा ये आंसर्स के थ्रू देंदे ने, कभी एक्सप्लेनेशन नाल नहीं देंदे, बट अगर आप चाहिए क्योंकि जो आप ऑब्जेक्शन लावे तो सानू उहदे नाल एक्सप्लेनेशन देंगे कि असी इहदा आंसर ये क्यों लगाया, तो मैं एक बार फिफ्थ भी साइड पर रख लिया है कि हाँ जी आप इहदे च भी चैक जरूर करांगे एक बार। सो फिफ्थ का राजे जो राइट आंसर है ऑफिशियल आंसर की दे अकॉर्डिंग फिफ्थ का जो राइट आंसर है बेटा वह की बना रहे ने, ऑप्शन नंबर डी नू बना रहे ने। उस तो बाद जो सिक्स है बेटा, सिक्स का जो राइट आंसर आप स्किप किया सी जिहड़ा इन्होंने, सिक्स का राइट आंसर है वह हैगा जी ऑप्शन नंबर सी। उस तो बाद अगर सैवंथ देखिए तो सैवंथ का जो राइट आंसर है बेटा वह हैगी है जी ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट मैं कलर होर चूज कर ला ताकि तुहानू पता चल जाए किहड़े कलर वाले ने, है ना। सो आपां देख लैने आ, सो सैवन का जिहड़ा राइट आंसर है बेटा वह हैगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी आंसर की च भी यही सीगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्थ, तो बेटा एट्थ का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और उस तो बाद गल करिए नौवें सवाल की, तो जो नौवें का राइट आंसर है वह हैगा जी ऑप्शन नंबर डी। हुण ऑप्शन नंबर डी जिहड़ी हैगी आ, एक मिनट मैं दोबारा चैक कर ला, नौवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इहदे च तां 100% ऑब्जेक्शन बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि सानू साफ साफ देख रहा है कि भाई आह त्रिपुज है, त्रिपुज के थले डंडी निकल रही है। आपां इन्हां नूं पुछिए कि भाई दसो थोनू आह त्रिपुज च कित्थों डंडी निकलती दिख रही है, डंडी तां जिहड़ी हैगी पहला गोल चक्कर है फिर डंडी है। सो तुसीं माड़े जिहे सवाल नोट करी चलो, तो जिहड़े अपने बैच वाले स्टूडेंट्स आ मैनूं कृपा करके वट्सएप कर देण क्योंकि मैं थोड़े नाल नाल मैच कर रही हाँ, मैं इस तों पहला आंसर की नहीं देखी, थोड़े नाल नाल ही मैच कर रहे हाँ। सो इह तां बेटा 100% है भी इह तां गलत है। सो इहदा मतलब की हो गया कि थोड़ी एक रिवाइज्ड आंसर की आऊगी। रिवाइज का मतलब की है कि ऑब्जेक्शनों तो बाद सारा विचार विटांदरा करके दोबारा यह आंसर की देंगे। यह तो कोई भी बंदा देख के दस सकता कि भाई जो नौवां सवाल है वह जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तो कत ही नहीं बन रहा क्योंकि यह लाइन सीधी नहीं निकल रही हैगी। ठीक है जी, सो दसवें का भाई जो आंसर की अकॉर्डिंग राइट आंसर है, दसवें का राइट आंसर हैगा ऑप्शन नंबर ए। ए असी भी ए ही लगाया सीगा, ता ही नहीं मैं ही रेज किया ना, ताकि आपको पता चल जाए भी आप कितने सी और ये कितने ने। इलेवेंथ का जो राइट आंसर है बेटा, इलेवेंथ का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और बेटा बारहवें का जो राइट आंसर है वह हैगा जी साडे कोल ऑप्शन नंबर सी, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ये तो सानू कॉन्सेप्ट ही पता ने। अगे राजे तेरहवें सवाल की गल करिए, तेरहवें का जो राइट आंसर है वह हैगा जी ऑप्शन नंबर बी। उस तो बाद जिहड़े मैं गोल चक्कर ला रही हूँ, याद रखियो थोड़ी ऑफिशियल आंसर की दे अकॉर्डिंग ला रही हूँ, जिहड़ियां पहला टिक्का लगिया हुई ने, जिहड़ी आपां पहला अपने अकॉर्डिंग तैयार की सी, वह आंसर की है। अगे चौदहवें सवाल का बेटा जिहड़ा राइट आंसर है वह इन्होंने दिता होया जी ऑप्शन नंबर ए। पंद्रहवें का जिहड़ा राइट आंसर है बेटा, पंद्रहवें का जिहड़ा राइट आंसर है वह इन्होंने दिता होया जी ऑप्शन नंबर सी। तो सिक्सटीनथ का जो राइट आंसर है वह फिर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी। सिक्सटीन का राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 39। सतारवें का बेटा जो राइट आंसर है वह हैगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी साडा बिल्कुल सही है। उस तो बाद गल करिए अठारहवें की, तो अठारहवें का बेटा जो राइट आंसर है वह हैगा जी ऑप्शन नंबर बी प्लैनेट, ये भी साडा सही है। उन्नीवें का जो राइट आंसर है वह हैगा जी ऑप्शन नंबर सी जापान। बीवें का जो राइट आंसर है जी वह हैगा साडे कोल ऑप्शन नंबर बी प्रेशर। उस तो बाद गल करिए इक्कीवें की, तो इक्कीवें का जो राइट आंसर है बेटा वह हैगा ऑप्शन नंबर डी
ਰੋਜਾਗਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਬਣਿਆ ਸੀ। 22ਵੇਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। 23ਵੇਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੁਇਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 24ਵੇਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 25ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25ਵੇਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀ ਓ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 26ਵੇਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, 26ਵੇਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੀ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। 27ਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, 27ਵੇਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹਨੂਮਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 28ਵੇਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰੈਕਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 29ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਾਂ 29ਵੇਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੀ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ 12। ਔਰ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 30ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਾਂ 30ਵੇਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ 1-2 ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ। 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਟੂ ਯੋਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਰ 1 ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮੇ ਚ ਤਾਂ 100% ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ 1 ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।